नमस्कार, मैं हूं आपका घुमक्कड़ रिपोर्टर प्रशांत और आप देख रहे हैं यूपी चुनाव पर हमारा सबसे खास शो मोबाइल पर का बोले वोटर। और आपका घुमक्कड़ रिपोर्टर अलीगढ़ शहर में आ चुका है लोगों का रुझान जानने, ये जानने कि अलीगढ़ का जो फेमस ताला है उसकी चाबी आखिर कौन से सियासी दल के पास है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ अलीगढ़ शहर के अंदर और जानते हैं लोगों का चुनावी रुझान कि अलीगढ़ की जनता 2022 में किसकी सरकार बनाने जा रही है। आपका घुमक्कड़ रिपोर्टर प्रशांत पहुंच चुका है अलीगढ़ और अलीगढ़ में बढ़ रहे हैं हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ, जहां पर हम चुनावी रुझान जानेंगे लोगों का कि आखिर अलीगढ़ के लोग क्या सोचते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। फिलहाल ई रिक्शा की सवारी कर रहा हूं और कई सारे लोग ई रिक्शा में मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में। नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजिया खान है। तो रजिया जी, क्या लगता है आपको इस बार यूपी में किसकी सरकार बन सकती है? इसमें इस बार लगता है अखिलेश की सरकार। भाई साहब बैठे, नमस्कार, क्या नाम है आपका? नरेंद्र। क्या लगता है आपको इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है या सरकार रिपीट करेगी? आएगी तो सरकार योगी की आएगी। योगी की आएगी। आप सेटिस्फाइड हैं काम से कि अलीगढ़ की जनता इस बार किसके साथ जा सकती है? बताइए क्या लगता है, योगी सरकार या फिर सरकार बदलेंगी आप? जी बताइए। अच्छा, तो हम लगातार अलीगढ़ के सफ़र पे हैं और थोड़ी देर में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे और वहां पर जानेंगे अलीगढ़ के छात्रों की राय कि वो क्या सोचते हैं यूपी चुनाव के बारे में। तो कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटी के अंदर गैदरिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन हम बाहर कुछ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र मिल गए, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी मुश्ताक अहमद। अच्छा मुश्ताक, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? जी। अच्छा, क्या किस विषय के छात्र हैं आप? जी मैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री का जी। अच्छा, क्या कोर्स कर रहे हैं आप? जी मैं अभी ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएट। अच्छा, कौन से ईयर? फाइनल ईयर चल रहा है, सिक्स सेम। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? जी मैं तो बिहार से हूँ, गोपालगंज। अच्छा, तो ये बताइए अलीगढ़ में आप रहते हैं? जी मैं चुनावी रुझान जानने के लिए निकला हूँ हल्के फुल्के अंदाज में, देखिए आप जैसे खाना खा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको यूपी में इस बार रुझान किसकी सरकार बन सकती है? देखिए अभी तो मतलब कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर जैसे अभी हम लोग वैसे भी बाहर से यहाँ पे उतना बाहर घूमना नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत जो यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स हैं जिससे बात बात होती है। हाँ। वो ज़्यादा तो सपा की बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की। अच्छा जी, आपको क्या नाम है? मेरा नाम अरबाज। अरबाज, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी के बस्ती जिले का। बस्ती जिले का। तो आपको क्या लगता है बस्ती जिले का भी रुझान बताइए और अलीगढ़ का भी, किसकी सरकार बन सकती है इस बार? बस्ती में तो वही बीजेपी है, क्योंकि अभी वहाँ के पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बीजेपी है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल देखें समाजवादी का। समाजवादी का जी। आपको क्या नाम है? मोहम्मद अय्यूब है। मोहम्मद, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आजमगढ़। आजमगढ़ के रहने वाले। तो आप तो आजमगढ़ का हाल बताइए पहले, क्या लगता है आजमगढ़ में? आजमगढ़ तो अखिलेश ही लड़ते थे। हाँ, अब वो भाग गए सुना। हाँ, अब भागने की वजह क्या वही बताएंगे, लेकिन वो जब तक यहाँ से लड़े आजमगढ़ से वो जीतते ही रहे, लेकिन अब पता नहीं क्यों भाग के, क्या थोड़ा सा डर या कसर जो भी रही होगी हारने का, पिछली मरतबा तो अब बीजेपी से ये उम्मीद हुआ मुकाबले में इसके, लेकिन वो उतना दम दिखा नहीं पाए जितना वो बोल रहे हैं। अब की देखते हैं क्या होता है। तो अखिलेश के जाने से समाजवादी पार्टी को फर्क पड़ेगा या फिर से जीतेगी वहाँ से सीटें? थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश एक मुख्य चेहरा है ना, अपोजिशन में मुख्य चेहरा है। अब मुख्य चेहरा ही अगर भाग रहा है तो जाहिर सा उसका फायदा तो मिलेगा ही बीजेपी को। और ओवरऑल आपको क्या लगता है यूपी में इस बार किसकी सरकार? ओवरऑल देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, वैसे जो गवर्नमेंट पहले से होती है उसमें पावर होती है हर हिसाब की, तो वो दोबारा बनने में उनको थोड़ा सा दिक्कत कम होती है। हाँ। लेकिन जो अपोजिशन होती है वो तो गवर्नमेंट में होती नहीं है। हाँ। तो सारी सुविधाएं और सारा सिस्टम उनके हाथ में होता नहीं है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि बीजेपी दोबारा आएगी, लेकिन चांसेस हैं अखिलेश के भी। अखिलेश के आपको क्या लगता है नहीं, ओवरऑल की जो बात है ओवरऑल मतलब नहीं लग रहा है पूर्ण बहुमत किसी भी गवर्नमेंट को मिलेगी, किसी भी पार्टी को मिलेगी अभी। अच्छा, हाँ गठबंधन मामला रहेगा, गठबंधन वाला ही मामला। आज मुझे आज मुझे स्टूडेंट्स काफी कम दिख रहे हैं, आज काफी कम। हाँ, आज फ्राइडे है ना। अच्छा अच्छा, पीछे कुछ और स्टूडेंट्स आप बता रहे थे चाय की टपरी के पास, वहाँ पे बात की सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि आगे हसन चाय वाले हैं और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार, आप हसन चाय वाले हैं? अच्छा, अलीगढ़ के स्टूडेंट्स आपके बारे में काफ़ी बात कर रहे थे। मैं क्या बात करूँ, कैसे हैं आप?
आपकी काफ़ी फेमस चाय की दुकान है, यूनिवर्सिटी के बाहर भी है। मैं इलेक्शन कवरेज के लिए निकला हूँ, क्या लगता है आपको इस बार अलीगढ़ की जनता किसके साथ जाएगी? अखिलेश के साथ जाएगी। अखिलेश के साथ जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आप मेरे लेवल पकड़ लीजिए। आप क्या कोर्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में? एमबीए। तो क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बन सकती है यूपी में? ज़्यादा रुझान तो अखिलेश यादव का ही है, बाकी जो वक्त का किसको पता है। अखिलेश यादव का, अच्छा। और अब ये छात्र बैठे हुए, इन्हें मेरा लेवल बढ़ा दीजिए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुहेल अहमद राठौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कश्मीर के रहने वाले। कश्मीर के रहने वाले, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। Yes. कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मेरा बीए बैचलर्स कंप्लीट हो गया है, बीएससी केमिस्ट्री। अच्छा, तो क्या लगता है आपको इस बार यूपी में किसकी सरकार बन सकती है? तो एक ये बात कहेंगे कि सरकार किसकी बनी, लेकिन इस बार जो है इलेक्शन होना चाहिए डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे इलेक्शन, मतलब इस बार लड़ना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जैसे हालात हुए अभी तक कितना कन्फ्यूजन है लोगों में उत्साह भी है, कि जैसे हालात हुए, जैसे हाथरस में वो कांड हो गया, लखीमपुर खीरी में कांड हो गया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी अगर सरकार मतलब अच्छी है। जी, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन जाएगी इस बार यूपी में? फिलहाल ये तो पर्सनल मसला रहेगा, काम की बेस पर दिया जाएगा वोट, जिसने जैसा काम किया होगा उसके बिहाफ पर वोट दिया जाएगा, और ये हमारा पर्सनल मसला है कि हम किस पार्टी के इस तरफ जाएंगे और किसको वोट देंगे। आपस में मीटिंग तो चलती रहेगी, ये बताइए क्या लगता है इस बार कौन सा दल यूपी में? सर यहाँ तो बीजेपी ही आएगी, बीजेपी के अलावा कोई नहीं आ पाएगा, सब दल बेकार हो चुके हैं, किसी में जान बची नहीं है, सिर्फ बीजेपी में जान है, ग्राउंड लेवल पर उनका काम है, बाकी सब सोशल मीडिया पर अपनी राजनीति करते हैं। अच्छा जी दादा, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कौन सा दल? नहीं, दल तो यहाँ जान तो बीजेपी में ही है, बाकी और दलों में जान नहीं है, ना यहाँ समाजवादी और ना बीएसपी का इतना कैंडिडेट जानदार है, उसका बीजेपी का कैंडिडेट जानदार है यहाँ। और आपका घुमक्कड़ रिपोर्टर बढ़ रहा है सफर में आगे अलीगढ़ किले की तरफ, वहाँ पर जानेंगे लोगों का चुनावी रुझान। तो आपका घुमक्कड़ रिपोर्टर प्रशांत आपको लेकर पहुंचा है अलीगढ़ की एक और फेमस जगह, इसे कहते हैं अलीगढ़ का किला यानी कि बोनाचोर किला। और क्या कुछ खासियत इस किले की है और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है यूपी विधानसभा चुनाव का रुझान। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? अर्षद चौधरी नाम है। अर्षद चौधरी जी, तो ये क्या ये अलीगढ़ का किला है? जी जी। क्या क्या नाम है इसका? इसका नाम बोनाचोर किला नाम है, 2 साल से बंद है फिलहाल ये। अच्छा, बंद है क्यों? कोरोना के चक्कर में। अच्छा जी जी। अच्छा जी, नमस्कार, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अमजद। क्या लगता है इस बार किसी की सरकार बनेगी यूपी में? अखिलेश। और आपके घुमक्कड़ रिपोर्टर को घूमते घूमते भूख लगाई है, हालांकि लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट में जाने का अभी वक्त नहीं है, लेकिन जब मैं सफर पे निकलता हूँ तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें खाने का मन करता है जी। ये क्या है दादा ये चीज़? ये मूंग की दाल की भुजिया होती है। अच्छा, मूंग की दाल की भुजिया, दही वाले टाइप में आती है। ये क्या मीठी होती है? नमकीन भी बनती है, मीठी भी बनती है। अच्छा, खिलाइए जरा, नमकीन खिलाइए, नमकीन बनाइए जरा। अच्छा ये भुजिया बनाते बनाते यकीन बताइए कि क्या लगता है आपको कि इस बार यूपी में किसकी सरकार बन सकती है? आपको घुमक्कड़ रिपोर्टर खा रहा है मूंग की दाल की भुजिया, तो मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद नहीं चलता हूँ आपको आगे यूपी विधानसभा चुनाव का रुझान जानेंगे, क्योंकि अलीगढ़ बहुत बड़ा है, आगे कई सारी गलियाँ मिलने वाली हैं। अलीगढ़ की ललित मार्केट में नमस्कार अम्मा, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। क्या लगता है किसकी सरकार इस बार यूपी में? हमें तो मोदी की सरकार चाहिए और योगी की चाहिए। अच्छा, कमर का फूल चाहिए। ऐसा क्या काम किया योगी की सरकार ने? अच्छा ही काम करो, जब गांव में नाच फ्री मिल रहा है, बेकार थोड़ी सरकार करी है। अच्छा, खूब बढ़िया सरकार ये है। आपके साथ आपकी बहू है? हाँ जी। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया, गुड़िया नाम है। अच्छा चलिए, ये बताइए क्या लगता है आपको किसकी सरकार यूपी में? मोदी की नहीं है। मोदी की क्यों लाएंगे मोदी की सरकार दोबारा? बताइए ऐसा क्या काम किया सरकार ने? बढ़िया किया है, फायदा किया है उन्होंने, महिलाओं के लिए काम किया है। जो किया ना, खाते में पैसा आ रहा है, आराम से मौज मार रही है। अच्छा, और क्या है लेडी, खाते में तो पैसा लगा दो, बाजार की शॉपिंग करो। बात सही है, इतनी बात सही है। अच्छा जी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सेठ जी सही बात है। एक मियां जी हूं तो। हाँ जी, नमस्कार, क्या लगता है किसकी सरकार यूपी में?
अरे बाबा पक्की बात 100% 101% तो किन मुद्दों पे आएंगे बाबा? बाबा के तो बहुत मुद्दा है, सब चीजों को मत पूछो आप। अच्छा हाँ। लेकिन आएंगे बाबा ही? बाबा मोदी। चलिए धन्यवाद। और आपका घुमक्कड़ रिपोर्टर प्रशांत अलीगढ़ में घूम रहा है और आप देख सकते हैं मैं आपको फेमस हलीम वाले के यहाँ लेकर पहुँचा हूँ। ये अलीगढ़ की एक खासियत है, यहाँ का टेस्ट है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। राशिद जी ये बताइए कि ये क्या है ये जो आप यहाँ पर बेच रहे हैं? दली में दाल गेहूँ जो सबको मिला के मिक्सर बनता है दली में। अच्छा ये अलीगढ़ का फेमस है? जी अलीगढ़ का फेमस है। क्या लगता है आपको कि इस बार अलीगढ़ की जनता कौन से सियासी दल के साथ जाएगी? वक्त ही बताएगा। ऐसे तो लोग हमारे यहाँ डिमांड जो अखिलेश यादव की मांग रहे हैं, बाकी बीजेपी भी है। अच्छा बीजेपी के साथ हम या समाजवादी पार्टी के साथ? समाजवादी पार्टी के साथ। चलिए काफ़ी सारी गैदरिंग है आपकी शॉप पर, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। क्या लगता है आपको कई सारे लोग आते होंगे? आप बिरयानी बनाते भी हैं खिलाते भी हैं, तो ये बताइए इस बार यूपी में कौन से दल की बिरयानी बनेगी? अरे यार चुनाव में ये क्या पूछ लिया आपने? समाजवादी बनेगी? समाजवादी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार यूपी में? एसपी सरकार बनेगी। किसकी? एसपी की। तो अलीगढ़ के भीड़ भाड़ वाले इलाके में कई सारे लोग खड़े हुए। आप ये कह रहे हैं अम्मा के कोरोना के नाम से यही धब्बा है एक किस्म का औरतों के ऊपर और आदमियों के ऊपर है? और क्या नाम है, जब सुइया लग रही है कोरोना लग रहा है तो क्या खुजली की सुई लगाई है? फिर क्या खुजली क्यों नहीं जाती है? ना कोरोना जा रहा ना खुजली जा रही, कहाँ से जा रही है खुजली? गरीब अच्छा। आदमी भीख मांगता मांगता मरा जा रहा है, विधवा औरत भीख मांगता मांगता मरी जा रही है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। मतलब सरकार बदलेगी इस बार? बिल्कुल बदलेगी, हम तो यही चाह रहे हैं, खुदा से हमारी यही दुआ है। अच्छा साइकिल रफ्तार बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी जी। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित सनी सारस्वत है। अच्छा तो जरा ये तो बताइए कि अलीगढ़ का जो ताला है उसकी चाबी कौन से सियासी दल के पास मिलेगी इस बार? अब की बार जो यहाँ की जो जनता है बहुत उत्तर प्रदेश की तंग आ चुकी है, तो वो बदलाव चाह रही है। अखिलेश यादव खोल देंगे अपनी चाबी से इस बार ताला अलीगढ़ 100% खुल रहा है। अखिलेश यादव क्या खोलेंगे, पूरी जनता खोलेगी। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? आई एम गुड। कहाँ की रहने वाली हैं? अलीगढ़। अच्छा क्या करती हैं आप? टीचर। टीचर हैं। अच्छा आप शिक्षक हैं और कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी होंगी। क्या लगता है आपको कि इस बार अलीगढ़ की जनता किसके साथ जाएगी? I have no idea about it. No interest in politics, sorry. अच्छा आप राजनीति में भले ही दिलचस्पी ना रखें लेकिन वोट तो करती होंगी। हाँ। चलिए तो अपना फेवरेट सियासी दल बताइए, आपका फेवरेट सियासी दल कौन सा है? Right now, maybe, what this, क्या है ये? मुलायम सिंह वाली पार्टी कौन सी है? समाजवादी पार्टी। जी, 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 अच्छा यानी समाजवादी पार्टी आपका फेवरेट है? Yeah. अच्छा चलिए धन्यवाद। और भी कई सारे लोग खड़े हुए हैं। आपका घुमक्कड़ रिपोर्टर घूम रहा है अलीगढ़ की सड़कों पर और यही जानने की कोशिश कर रहा है कि अलीगढ़ के ताले की चाबी आखिर कौन से सियासी दल के पास है। तो आपका घुमक्कड़ रिपोर्टर पहुंच चुका है अलीगढ़ की एक और फेमस लोकेशन अलीगढ़ ईदगाह के पास और यहां पर लोगों से जानेंगे चुनावी रुझान कि आखिर क्या सोचते हैं अलीगढ़ के लोग, यूपी में बनेगी किसकी सरकार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उबैद। क्या लगता है इस बार अलीगढ़ में किसकी सरकार? अलीगढ़ में सरकार शायद जिसकी आएगी यूपी आएगी और कुछ नहीं आएगी। किसकी? उसकी कमल की। कमल की, योगी की आएगी जी। आपको क्या लगता है यूपी में किसकी सरकार इस बार? अखिलेश की जी। लगातार लोगों से चुनावी रुझान जान रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार? अखिलेश की आनी चाहिए जी। नमस्कार दादा, नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार? मुलायम सिंह की सरकार या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव की सरकार आएगी। चलिए लगातार लोगों से चुनावी रुझान जान रहे हैं कि आखिर यूपी में किसकी सरकार बनेगी। कई सारे लोग खड़े हुए हैं सड़क के किनारे। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार? इस बार तो भैया अखिलेश की सरकार का। अखिलेश की सरकार, आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश की। अखिलेश की, अच्छा जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या लगता है किसकी सरकार इस बार? सरकार जो नेता मेहनत करेगा उसकी सरकार बनेगी। तो क्या लगता है ज़्यादा मेहनती कौन है, योगी जी हैं, अखिलेश हैं, ओवैसी हैं, प्रियंका गांधी हैं, कौन है ज़्यादा? सभी मेहनती हैं, सभी करते हैं, सभी वादे करते हैं अपने अपने अलग अलग। अच्छा आपका फेवरेट सियासी दल कौन सा है? सभा से। सभा से, अच्छा चलिए। तो हम हैं
तो यहाँ पर हम थे अलीगढ़ में ईदगाह के पास, जहाँ पर हम जान रहे थे लोगों का चुनावी रुझान, और अब बढ़ने का वक्त आ गया है अगले लोकेशन की तरफ। अलीगढ़ ईदगाह के पास में कई सारे लोग खड़े हुए हैं, इनसे चुनावी राय जानते हैं जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर अतीक भाई। क्या लगता है किसकी सरकार इस बार यूपी में? इस बार समाजवादी सरकार बनेगी भाई जी। और समाजवादी सरकार इसलिए बनेगी, कोई हमारे शहर में विकासपुर माननीय जफर आलम साहब ने जो कार्य किए हैं उनको देखते हुए बनेगी। ये जिस जगह आप खड़े हुए ये सड़क भी माननीय जफर आलम साहब के नेतृत्व में बनी है, जब समय समाजवादी सरकार थी उस समय की ये सड़क बनी हुई है। और ये शायामाल, ये सड़क ही नहीं पूरा शायामाल क्षेत्र सिर्फ समाजवादी सरकार में ही बना, और ये सामने प्लांट लगा हुआ ये भी समाजवादी सरकार में ही बना है, जिसको ये लोग कहते हैं कि समाज बीजेपी से वाले कि इसमें काम हमने करा है, ये करा वो करा, लेकिन सिर्फ समाजवादी का काम है। बिल्कुल समाजवादी काम। आपको क्या लगता है? समाजवादी पार्टी आएगी। तो आपका घुमक्कड़ रिपोर्टर आपको लेकर पहुंचा है अलीगढ़ की एक और फेमस जगह, ये है अलीगढ़ की बड़ी मस्जिद, और यहाँ पर जानेंगे लोगों से चुनावी रुझान कि आखिर वो क्या सोचते हैं यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में। लगातार लोगों से बात कर रहे हैं जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या लगता है आपको इस बार यूपी में किसी सरकार? यूपी में सपा आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी जी। क्या नाम है आपका? क्या लगता है आपको शकील जी, इस बार किसी सरकार? सपा की सरकार आएगी। लगातार लोगों से चुनावी रुझान जान रहे हैं कि आखिर यूपी में किसकी सरकार बनेगी, इस मार्केट में है जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान, क्या लगता है किसकी सरकार इस बार यूपी में? अखिलेश जी की। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपकी स्माइल देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या करते हैं आप? ये करते हैं आप, देखो काम, काम काम धंधा कैसे चल रहा है? काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। किसकी सरकार? अखिलेश। अखिलेश की। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? जाहिद। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार यूपी में? शायद अखिलेश जी। नमस्कार मैडम, आप कैसे हैं? आप भी अपनी राय बताइए, किसकी सरकार इस बार यूपी में? सपा की सरकार। अच्छा, नमस्कार, कैसे हैं आप दादा? मैं बैठ जाऊँ आपके पास? बिल्कुल। चलिए, अच्छा ये बताइए, क्या लगता है आपको इस बार यूपी में किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार, समाजवादी की सरकार, पक्की बात? चलिए, आगे भी लोग बैठे हुए। नमस्कार दादा, समोसे का आनंद लिया जा रहा है? बस आप खाइए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मतलू हसन। अच्छा, तो हसन जी ये बताइए किसकी सरकार इस बार? जिसकी आप चाहें और जिसको आप देंगे वोट उसको ही मैं दूंगा। अच्छा, नहीं मेरा तो यहाँ यूपी में वोट ही नहीं है। मेरा वोट यूपी के बाहर है, आप यूपी में वोट देंगे, अलीगढ़ में वोट देंगे। क्या लगता है कौन सा दल सत्ता में आएगा? मैं दूंगा जिला मुरादाबाद में चंदौसी, सीता आश्रम, रामबाग। कौन सी पार्टी को देंगे? मैं दूंगा अखिलेश को। चलिए, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे अपने घुमक्कड़ रिपोर्टर को अलीगढ़ की बड़ी मस्जिद के पास से, और अब बढ़ने का समय है आगे, आगे बढ़ के जानते हैं लोगों की चुनावी राय। और आपका घुमक्कड़ रिपोर्टर घूमते घूमते अलीगढ़ में देखिए कहाँ पहुँचा है। ये देखिए मेरे पीछे, ये हैं अलीगढ़ के फेमस ताले, और इसे जानने की कोशिश करते हैं कि अलीगढ़ के ताले की चाबी कौन से सियासी दल के पास जाएगी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा साकिब नाम है। क्या लगता है आपको ये जो अलीगढ़ के आप ताले बेच रहे हैं इसकी चाबी कौन से सियासी दल के पास होगी? यहाँ हम तो अखिलेश की सुन रहे हैं ज़्यादातर भैया। अखिलेश की जी। आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव की अलीगढ़ का ताला अखिलेश यादव खोल देंगे? मसूर तारा है ये, सब बढ़िया चाबी मिलेगी नहीं कहीं तो खोल देंगे अखिलेश। हाँ, खोल देंगे जी दादा। खोल देंगे अखिलेश। क्या नाम है आपका जी? इनका अलीबुद्दीन नाम है जी। बताइए, खोल देंगे अखिलेश जी? हाँ, अलीगढ़ का ताला फौरी खोल देंगे। चलिए धन्यवाद। तो लगातार लोगों से जान रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि अलीगढ़ की ताले की चाबी कौन खोलता है ये देखने वाली बात होगी। और आपका घुमक्कड़ रिपोर्टर घूमते घूमते पहुंच चुका है अलीगढ़ के रेलवे रोड पर, लगातार लोगों से चुनावी रुझान जाना है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? विजय बालानी। विजय जी, क्या लगता है इस बार अलीगढ़ में किसकी सरकार? बीजेपी। आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी। चलिए लगातार, नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मुकेश कुमार। मुकेश जी ये बताइए अलीगढ़ में कौन सी पार्टी का झंडा लहराएगा इस बार? योगी जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? किसकी सरकार इस बार? भाजपा की। बीजेपी की। तो रेलवे रोड पर लगातार लोगों से बात कर रुझान जाना है। नमस्कार दादा, ये भी भाई काम धंधा कैसे चल रहा है? सही चल रहा है। किसकी सरकार बनाएंगे? बीजेपी। नमस्कार दादा, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? ये बताइए अलीगढ़ का जो ताला है उसकी चाबी कौन से सियासी दल के पास मिलेगी? हमारे पास है, हमारी जिम में। अच्छा, दिखाइए जरा, ये तो आपके ताले की चाबी है। हमारे पास जो चुनाव है, चुनाव का जो ताला है उसकी चाबी भी हमारे पास है, वो वक्त पे फैसला करेंगे। अच्छा अच्छा, ये बताइए कौन सा दल आपका फेवरेट है? कोई नहीं है। कोई नहीं है? अच्छा, चलिए रातों रात फैसला करेंगे। नमस्कार दादा, कैसे हैं आप? बढ़िया।
इस बार किसकी सरकार यूपी में? बीजेपी। बीजेपी की। नमस्कार दादा, आप कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार पचौरी। किसकी सरकार लाएंगे इस बार? बीजेपी। बीजेपी की। नमस्कार दादा, कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा ये बताइए, अलीगढ़ का जो ताला है, कौन सा सियासी दल उसकी चाबी बनेगा? कौन जो सही बनेगा? बीजेपी से। और बीजेपी से? और क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी। अच्छा ये बताइए, कौन से मुद्दे हैं जिन पर चुनाव इस बार जनता वोट करेगी? विकास के मुद्दे। विकास, कानून व्यवस्था ठीक है। कानून व्यवस्था विकास है और लोगों का जो डर था वो नहीं है, सब कुछ सेफ। अच्छा आप बताइए। बढ़िया चल रहा सिस्टम हमारी तरफ करिए, बहुत बढ़िया सिस्टम, ऐसा सिस्टम चल रहा है ऐसा किसी सरकार ने नहीं बनाया। कंट्रोल करें गवर्नमेंट बीजेपी। बीजेपी की आएगी जी? आपको क्या लगता है? बीजेपी की आएगी सर। बीजेपी की बिल्कुल आएगी, पक्का आएगी। योगी जी अलीगढ़ का ताला खोल देंगे? बिल्कुल खुल चुका है। बिल्कुल खुल चुका है जी। जी सरकार किसी की आया करनी नौकरी है हमें। चलिए नमस्कार दादा। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या लगता है किसकी सरकार इस बार? बीजेपी की। बीजेपी की पक्की बात? क्या लगता है किसकी सरकार इस बार यूपी में? यूपी में सरकार तो भाजपा की ही रहेगी सर, योगी जी आ रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं या? पक्की बात? बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। जी जी ये बताइए किसकी सरकार इस बार? योगी जी की, फुल बहुमत से। इसे कोई रोकने वाला पैदा नहीं है, उन्होंने विकास किया देश का, प्रदेश का विकास किया है, ठीक, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई कुछ भी कहे, पूरी तरह से पूरी बहुमत से। अभी मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास था, ईदगाह के पास था, बड़ी मस्जिद के पास था, लोग योगी जी से खुश नहीं दिखे मुझे। नहीं, वो उनका जो ठीक है वो कह रहे हैं उनके अपना वो है, मगर योगी जी बहुत विकास किया है उन्होंने प्रदेश के अंदर। अच्छा, और गुंडा राज भी खत्म हुआ जी। नमस्कार दादा, आप देख रहे हैं पीछे से, बताइए क्या नाम है आपका? राम राजकुमार है। बताइए किसकी सरकार यूपी में? योगी की आएगी, योगी की है, योगी की रहेगी। पक्की बात? पक्की। कौन से वो मुद्दे हैं कि जिन मुद्दों पर बीजेपी की? सबसे बड़ा मुद्दा था तो बिजली आ रही है, 50 साल में ऐसी बिजली नहीं आई जैसी अब आ रही है, और कभी इतने गुंडे ना मरे जितने मर रहे हैं गुंडे। आइए दादा, आइए आइए प्लीज। सबसे बड़ी बात, जितने गुंडे पहले मर रहे थे अब कभी इतने अब मर रहे हैं, कभी पहले मर रहे थे अब साले सब गुंडे जेलों में मर रहे हैं, साले सब गुंडागर्दी खत्म हो गई। जी दादा क्या कह रहे थे आप? भैया एक तो गुंडागर्दी खत्म हो गई योगी के राज में, मोदी के राज में फ्री में अनाज मिल रहा है, 15 करोड़ आदमियों को फ्री में अनाज मिल रहा है, ये हलाल नहीं करेंगे, देगा वोट, खाया है तो देंगे नहीं देंगे देश के लिए, और देना चाहिए। राम मंदिर बनवा दिया, वो 3 कानून खत्म कर दिया, तलाक तलाक तलाक, धारा 370 हटाई गई, जब से देश आ जाए जो जिंदगी में पहली बार काम हुआ वो बीजेपी के राज में। अच्छा अच्छे, धन्यवाद। क्या लगता है किसकी सरकार यूपी में? भैया यूपी में तो अखंड है, कमल ही खिलेगा, और कोई हो ही नहीं सकता जी। बिल्कुल, इसके अलावा सबरे बेकार हैं जी दादा। अभी विकास के मामले में इससे बढ़िया कोई भी उचित कारण नहीं है, हर चीज में इतना गरीबों को इसने 2 साल से राशन बांटा है कि गरीब कहीं भी भटक नहीं सकता, इसका वोट कहीं नहीं जा सकता बीजेपी के अलावा। मैं बताना चाहता हूँ। हाँ जी, आगे आइए। यहाँ मैं एडवोकेट हूँ सिविल कोर्ट में, मैंने यहाँ तक देखा है कि यहाँ सभी तबके का बच्चा जो है जॉब में लगा है, यहाँ तक जो बिलो दी लाइन ऑफ पॉवर्टी थे उनको ये देखते थे कि वी हैव गॉट द एजुकेशन ऑफ बी टेक और एम टेक, वी आर एम्प्टी, बट नाउ डेज दे हैव बीन सेलेक्टेड इन यूपी गवर्नमेंट, दे हैव गॉट द जॉब, दे आर सोर्सलेस। दादा हिंदी में बोलेंगे, मेरी हिंदी ऑडियंस है। तो वो क्या है कि कोई साधन नहीं था उनके पास, बच्चों को गरीबी में पढ़ तो गए पर जॉब नहीं मिलता था उनको, तो आज मैं देखता हूँ कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा जॉब जो दिया है ये यूपी गवर्नमेंट जो है योगी की सरकार है इन्होंने दिया है, और बिना किसी सोर्स के, बिना किसी सिफारिश के सबसे ज़्यादा जॉब इनको दिया है। और यहाँ तक देखता हूँ ये गरीब का बच्चा है, वो पढ़ गया हिंदी मीडियम से पढ़ा और उसने एम टेक बी टेक किया, और यूपी पुलिस में तो मैं कह रहा हूँ गरीब का बच्चा लगता ही नहीं था कभी, और यूपी में सभी वर्ग का बच्चा आया है जी। भाई साहब आपका भी गौर सुन रहे, नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राम नाम है। अच्छा, तो क्या लगता है राम नाम पे सरकार आएगी यूपी में बीजेपी की? रहेगी, आएगी, पक्की बात? आपको नहीं नजर आता। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कश्यप है। नीरज जी किसकी सरकार इस बार? इस बार योगी मोदी जी की सरकार, उन्हें भारी बहुमत के साथ हिंदुओं की आह्वान है कि भाजपा की सरकार को दोबारा लाना है, और उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से गुंडों किन मुद्दों पे आह्वान कर रहे हैं, भय मुक्त गुंडे मुक्त यूपी, और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है, जैसे कि आपने सुना है कि रामलला हम आएंगे मंदिर पुनः बनाएंगे, मंदिर बन चुका है, अब की बार नारा है
भारी बहुमत के साथ भाजपा की सरकार को लाना है। आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। हम लोग बिल्कुल सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरी 325 से अधिक सीटें यूपी में आ रही हैं और योगी जी फिर से भगवा फैला रहे हैं और मुख्यमंत्री वही बनेंगे। धन्यवाद। तो हम रेलवे रोड पर हैं, आप देख सकते हैं लगातार यहां पर चुनावी राय जान रहे हैं लोगों की कि अलीगढ़ के लोग क्या सोचते हैं। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ, अलीगढ़ की अच्छी अच्छी लोकेशंस देखते रहिए और देखते रहिए अलीगढ़ के लोगों का चुनावी रुझान। और अब घुमक्कड़ रिपोर्टर है सुभाष रोड पर और यह सुभाष रोड का दुर्गा मंदिर जहां पर हम जान रहे हैं लोगों की चुनावी राय। नमस्कार, क्या नाम है आपका? ये बताइए क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार आ रही है जी। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका, क्या बना रही है? ये बताइए इस बार यूपी में किसकी सरकार? यूपी की सरकार मोदी की। पक्की बात? जी सर, पक्की बात, पक्की बात। नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या लगता है किसकी सरकार इस बार? आपका फेवरेट सियासी दल कौन सा है? अच्छा, नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? नमस्कार, क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार यूपी में? हाँ, मोदी जी अगेन। तो आखिर वो कौन से मुद्दे हैं, अगर योगी सरकार वापस आएगी तो उन मुद्दों पर आएगी, क्या लगता है आपको? मंदिर का मुद्दा हाथी रहेगा इसमें जी। नमस्कार अम्मा, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? ये मोदी की आएगी, भाजपा की आएगी। अच्छी बात। हाँ, कौन से मुद्दे हैं जिससे बीजेपी की सरकार वापस आएगी? धन्यवाद। तो लगातार लोगों की चुनावी रुझान जान रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है यूपी में। नमस्कार जी, क्या कह रहे हैं आप? आइए नीचे आइए प्लीज। अलीगढ़ अब वक्त है अलीगढ़ शहर से बाहर निकलने का। अलीगढ़ की जनता की चुनावी राय मैंने आपको दिखाई, अब घुमक्कड़ रिपोर्टर निकलेगा अगले शहर की तरफ। लेकिन आप देखते रहिए मेरा एक खास शो मोबाइल पर, का बोले वोटर, और जुड़े रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।